शिकारी अपनी बंदूक से इस टाइगर की जान ले लेता है, जिसके दो छोटे छोटे बच्चे भी थे। ये छोटे बच्चे शिकारी को मारना चाहते थे, लेकिन वो मजबूर थे क्योंकि ये अभी छोटे बच्चे हैं। ये शिकारी इन छोटे बच्चों को भी मारने वाला था, लेकिन ये वाला आदमी ऐसा करने से इसे रोक देता है। ये शिकारी इन दोनों बच्चों को पकड़कर एक गुफा के पास लेकर जाता है और इन बच्चों को यहीं पर छोड़ देता है। अब यही इनका घर है, जो इनका इस दुनिया में कोई नहीं है। ये बिल्कुल अनाथ है और आदमी यहाँ से चला जाता है। अगले दिन आदमी इनके लिए भोजन लेकर आता है। वो गुफा में इधर उधर देखता है, लेकिन उसे बच्चे नहीं मिलते हैं। लेकिन वो खाना वहीं रखकर एक दूर पेड़ के पास खड़ा होकर सब कुछ देख रहा होता है। वो बच्चे इस खाने को खा लेते हैं। इस आदमी को भी अफसोस होता है कि मैंने उस टाइगर को क्यों मारा। आखिरी आदमी उस टाइगर को नहीं मारता तो वो टाइगर इसकी जान ले लेता। तभी कुछ साल बाद दिखाया जाता है कि कुछ लोग जंगल को तबाह कर रहे हैं, और तभी गुफा में से वही शेर का बच्चा निकलता है जो अब बड़ा हो चुका था, और वो जंगल में कूदकर सभी सिपाहियों को एक एक करके मार देता है, जिस वजह से वो जंगल की रक्षा करता है।